हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज आम बनामा दही आलू। तो मुई छोट आलू नहींचे ये सीझे दीचे। दही कटा पतलघटा, कटा प्याज, बेसन, धनिया पतर, हिंग, कस्तूरी मेथी, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, जीरा धनिया पाउडर, गुटा जीरा, नून आ मसलारे नहींचे मुई तेजपतर, बड़ इलायची, डालचीनी, दुईटा मिर्चा आउ अदा लहसुन पेस्ट। जुहार, मुई श्वेता, श्वेता की देसी किचन के आपन समस्त स्वागत करुचे। मुई कढ़े गरम कर दीछे, से गरम हो गलान, तार उपरे मुई दी दूचे तेल। एबे कढ़ी रे तेल दे दीछे, तो मुई जेन सीधा आलू नीचे सेटा के टिके फ्राई कर देमा। मैं आलू उपरे दी दूचे हल्दी पाउडर आउ टिके मिर्चा पाउडर। एबे आलू फ्राई हो गलान, एटा के मुई बाहर कर दूचे। एबे मसला रेडी कर देमा। एबे दूचे मुई डालचीनी, बड़ इलायची, तेजपत्ता, दुईटा मिर्चा, एटा मुई कंचा मिर्चा दीचे आउ कटा प्याज। मसला के आम भलसे भाजी देमा। तापर मुझे दी दूचे अदा लहसुन पेस्ट। एबे मसला उपर मुझे दी दूचे अधा चामच हल्दी पाउडर, गोटे चामच मिर्चा पाउडर, गोटे चामच जीरा धनिया पाउडर, टेके मिक्स कर देमा। एबे दूचे मुझे कटा पतलघटा, और लास्ट मुझे दी दूचे दही। दही नहीं चाहे मुझे गुटे किना, तो ये मुझे दही दी दूचे। एबे इटा के आमे भल से मिक्स कर देमा। देखुन केते सुंदर कलर आसुचे। एबे आमर मसला फुटी गला न, तार उपरे मुझे दी दूचे आलू। देखुन केते सुंदर लागुचे। आलूर परिमाण जानिकरी मुझे दी दूचे गोटे चामच नून। एबे दे देमा धनिया पतर। धनिया पतर दे देले तार बासनाटा भल आसवा, आउ आलूर टेस्ट भी बेसी भल लागवा। आउ कस्तूरी मेथी, इटा के आमे भलसे मिक्स कर देमा। गैस के स्लो कर देमा, आईटा 5 मिनट तक आमे डाबी देमा। एबे हमर 5 मिनट हो गलान, तो मुझे ढाकनी के बाहर करी देखी दूचे। तो आमर दही आलू बहुत सुंदर हीचे। मैं गोटे गिनारे नीचे गोटे चामच बेसन, इथरे आमे पानी टिके दे देमा। इथरे मुझे पानी दे दीछे, इटा के आमे भलसे मिक्स कर देमा। देखुन एतकी पतला रखबे। ये बेसन पानी के आमे आलू उपरे दे देमा। बेसन पानीटा दे देले आलूटा बहुत सुंदर ग्रेवी ही आसी, आउ दही आलूर टेस्ट भी भल रहसी। देखुन केते सुंदर हेसी। इथरे आमे आउ टिके एक्स्ट्रा पानी देकरी आउ 2 मिनिट फुटे देमा। एबे आमर दही आलू फुटिकरी रेडी हो गलान, तो एटा के मुई साइड कर दूचे आउ परझना रेडी कर दूचे। एबे मुई बेलीटे नहींचे, सेटा गरम हो गलान, तार उपरे मुई दी दूचे गोटे चामच तेल। तार परे दे दूचे मुई जीरा, दुईटा मिर्चा आउ हिंग। एबे दही आलू उपरे दे दूचे परझना। एबे इटा के मुई मिक्स कर दूचे। तो दही आलू आमर 10 मिनट भीतर रेडी ही होला, तो इटा के मुई गोटे प्लेट रे बाहर कर दूचे।
एबे 10 मिनिट भितरे हमर दही आलू रेडी हि गला। एबे हमर दही आलू रेडी हि गला त एबे हमें गार्निश कर देमा। तो फ्रेंड्स आमर दही आलू आपण मानको केंता लागला प्लीज आपण माने घरे बनिकरी टेस्ट करून। जदि आपण मानको भल लागला तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करबे आ बहुत ही शेयर करबे। थैंक यू।